हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सेनेट मेजर टारगेट। दोस्तों क्लास 12 के बायोलॉजी का आंसर की जल्दी से आप मिला लीजिए। सभी प्रश्न 100% आंसर की आपको सही बताएंगे। दोस्तों अनुभवी शिक्षकों द्वारा जांचा गया है सभी प्रश्न, शिक्षक ने बताया कि इतना का ये आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि मनुष्य में ए बी ओ का रक्त समूह क्या दर्शाता है। दोस्तों मनुष्य में ए बी ओ का जो रक्त समूह दर्शाता है, एक का जो राइट आंसर की बात बोले तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखने पा रहे कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। दोस्तों भ्रूणपोष वाले बीजों को हम कहते हैं, यानी कि तीन का जो राइट आंसर की बात बोले तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एंडोक्रापिक। बढ़ चलते अगला प्रश्न, जो चार नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिका है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो चार का राइट आंसर हो जाएगा आपका टी कोशिका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांच नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में प्लाज्मिक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छः नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि आपका कोई भी सेट हो सकता है। दोस्तों आप सेट देखते हैं, पर्सन सेम रहेगा आपका सेट, लेकिन अलग अलग हो तो ठीक है। दोस्तों छः नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड ट्रांसपोजोन। बढ़ चलते अगला प्रश्न, जो सात नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कौन सा पिरामिडिक कभी उल्टा नहीं होता। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात का जो बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि आठ नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि अपघटन कैसे होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परपोषक। बढ़ चलते अगला प्रश्न जो देखने पा रहे हैं, नौ नंबर प्रश्न है हमारे कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो नो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मीथेन नोजेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गेहूं हो जाएगा, ठीक है। बढ़ चलते 14 नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे कि जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। दोस्तों 14 का जो राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तिल चट्टी चट्टान में। बढ़ चलते अगला प्रश्न, जो 15 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि पक्षियों तथा तितली का डेना कैसा अंग है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ चलते अगला प्रश्न जो देखने पा रहे, 16 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है। दोस्तों 16 का जो राइट आंसर की बात बोले तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोम। अगला प्रश्न, जो 17 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है। दोस्तों 17 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइट्स। बढ़ चलते 18 नंबर प्रश्न देखने पाएंगे स्क्रीन में कि वायु परागण किसमें नहीं होता। दोस्तों 18 का जो राइट आंसर की बात बोले तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेल्विया। 19 में प्रश्न देखने पा रहे कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। दोस्तों 19 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंड्रोम। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि 20 नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कम्युनिटी यानी कि कोपट्टी किससे बचाव का कार्य करता है। दोस्तों 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एंड्रोटोस्कोप, ठीक है, यानी कि ओविलाइजेशन। बढ़ चल अगला प्रश्न, जो 21 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि यानी कि आरएनए के आधार अनुक्रम, एक कोड आपको दिया गया है। दोस्तों सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ चलते अगला प्रश्न, जो 22 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि ओक्साकी प्रेगमेंट्स कब बनता है। दोस्तों 22 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए के असंत द्विगुणन से। 23 नंबर प्रश्न देखने पा रहे कि मनुष्य में किस ऑर्डर तथा किस कलु का सदस्य होता है। दोस्तों 23 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बढ़ चलते अगला प्रश्न जो देखने पा रहे हैं, 24 नंबर प्रश्न है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं। दोस्तों 24 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलोबे। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं 25 नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। दोस्तों 25 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्प्रोटोजिल स्टेज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि अगला प्रश्न ये है कि रिटी पिसानो किस बीमारी का रोगजनक है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एड्स। अगला 27 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या है। दोस्तों 27 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। बढ़ चलते अगला प्रश्न, जो 28 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों 28 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। बढ़ चलते 29 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि पुनः योगस डीएनए के टीके क्या। दोस्तों 29 का जो राइट आंसर की बात बोले तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चल अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न लिखने पा रहे कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। दोस्तों सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो तीस का राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिन। बढ़ चलते इकतीस नंबर प्रश्न लिखने पा रहे कि निम्नलिखित में कौन जो है संकटग्रस्त स्पीसीज है। दोस्तों इकतीस का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरबेल। बढ़ चलते 32 में प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि निम्नलिखित में किसकी अनुवांशिकता विविधता भारत में अत्यधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, 33 में प्रश्न देखने पा रहे कि निम्नलिखित में चाह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। दोस्तों 33 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। बढ़ चलते 34 में प्रश्न देखने पा रहे कि टीलोमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। दोस्तों 34 का जो राइट आंसर की बात बोले तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, बढ़ चलते 35 नंबर प्रश्न की ओर जो देखने पा रहे हैं कि जी यानी कि गार्टिक निम्नलिखित में किसका रेकोगनिशन साइट है। दोस्तों 35 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इको आर डबल। ठीक है, बढ़ चलते जो 36 नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं कि प्लास्टमिक इज ऑप्टेनेड फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो इसका राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ चलते अगला प्रश्न जो 37वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन जलसी घास है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी। बढ़ चलते जो 38वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से जैव अवधारीकरण का नाम किसे कहा जा किसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DTT। ठीक है, DTT। अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि 39वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में पीएच का मान कितना। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6। 40वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि जल में ई कोली की अधिकता किसकी सूचक है। दोस्तों 40 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक प्रदूषण। और 41वां प्रश्न देखने पा रहे हैं कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता। तो 41 का जो राइट आंसर की बात बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, PNO। दोस्तों आज के लिए इतना। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।